अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हैप्पी मूड। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ CS301 के असाइनमेंट नंबर 3 जो आई हुई है उसका सोल्यूशन शेयर करूंगी। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो पे न्यू हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और नीचे रेड कलर का बटन है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, उस पर क्लिक करके और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जितनी भी फिर इनकमिंग वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सकेगा और आप जल्दी से वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो हम जल्दी से जो है क्वेश्चन फाइल पहले सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन फाइल में जो है ऑलरेडी पहले जो है ये सोल्यूशन था, ठीक है, फाइल आई थी, बाद में अपडेट हुई थी ये, ठीक है। तो अपडेटेड सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसकी जो लास्ट डेट है ड्यू डेट वो हमें 12 दी गई है, एक्स्ट्रा डेज भी होती हैं 24 घंटे, 13 भी इसकी लास्ट जो है वो डेट होगी, ठीक है, उसमें भी सबमिट करवा सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स फाइल आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो यहाँ पे उन्होंने राइट किए हैं कि ये टॉपिक जो है वो क्लियर इसमें हो रहे हैं। उसके बाद हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से टेक्स्ट मैसेज था जिसको जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी टेबल्स वगैरह और जो है सभी कुछ हमने ओरिजिनल बिट्स इनकोडेड बिट्स सब फाइंड करनी थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें उन्होंने 5-6 क्वेश्चन दिए हैं 20 मार्क्स की, ये असाइनमेंट्स हैं और इसमें जो लेक्चर्स कवर हो रहे हैं आप लोगों के वो 16 से 26 तक के लेक्चर्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। हम जल्दी से आप देखते हैं क्वेश्चन क्या थे और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। हम जल्दी से आप सॉल्यूशन फाइल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल 100% करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। आप लोगों ने अगर अभी तक आप लोगों के लिए वीडियो बन रही है, ठीक है, आप लोगों की हेल्प आउट के लिए, तो आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक लाजमी दिया करें और जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें अगर आप न्यू होती हैं चैनल पर तो, ठीक है। उसके बाद जो है हम सॉल्यूशन फाइल की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन फाइल में जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें कहा था कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उन्होंने टेक्स्ट दिया था, हमें टेक्स्ट मैसेज दिया था, ठीक है, वो जो है यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट मैसेज हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने उसमें जो है वो आपने काउंट करनी है तमाम लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है, जो उसमें खाली स्पेस आ रही है ना, जैसे कि ये दो लेटर्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान में गैप दिया हुआ है, स्पेस दी हुई, ये वाली भी आपने काउंट करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये लेटर्स भी जितने हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ये भी काउंट करनी है और स्पेस भी। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो आप इसको खुद भी काउंट कर सकते हैं और इंक्लूडिंग स्पेस आप जो है वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये टोटल जो है वो 18 है। उसके बाद हमने टेबल ड्रा करना था सिंपल, और उन्होंने कहा था आप टेबल ड्रा करें, ठीक है, विद कॉलम्स नेम लेटर फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल बिट्स और इनकोडिंग बिट्स का, ठीक है। ये वो कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ें हों टेबल के अंदर, तो ये आपने क्या करना था टेबल एक ड्रा करना था, ठीक है। तो जो है ये एक सिंपल हमने टेबल जो है वो ड्रा करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने कहा था कि जो है ड्रा टेबल, सिंपल ड्रा हमने टेबल कर ली। उसके बाद 3 में हमने इसको फिल करना था, इस टेबल को वो लेटर्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से ओरिजिनल बिट से, और उसका हमने जो है वो ASCII कोड भी राइट करना था हर लेटर्स का। फिर उसको हमने क्या करना था डेसिमल ASCII में और उसके हमने बाइनरी कोड में इसको जो है वो चेंज करना था, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इसको हमने 1 by 1 हम लेटर्स जो हैं वो काउंट करेंगे यहाँ पे जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, वी कितने आ रहे हैं, आई कितने हैं, ठीक है, और आर कितनी है, टी कितने हैं, स्पेस कितनी है, बार आई हैं। तो ये 1 by 1 आप जब राइट करेंगे तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। उसके बाद ओरिजिनल बिट्स जो हैं ASCII कोड उन्होंने कहा था वो डेसिमल में आपने राइट करने हैं, ठीक है। तो ये इनके जो है वो ASCII कोड है डेसिमल के अंदर। उसके बाद उसने कहा था इसको बाइनरी कोड आपने राइट करना, तो आप जैसे ये डेसिमल कोड जो है इसको आप ये जो डेसिमल बिट्स हैं इसको आप गूगल में अगर पुट करेंगे और इसका बाइनरी कोड आप कहेंगे कि हमें दें, तो वो वहाँ पे बाइनरी कोड भी इसके आ जाएंगे, ठीक है। आप गूगल करके इसको खुद भी जो है वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हैं अपने तौर पर भी। और उसके बाद ये इनकी बाइनरी कोड है, तो जस्ट इतना ही उसने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा था कि आपने बाइनरी कोड तक राइट करना है। ये डेसिमल ASCII कोड हो गया, ये बाइनरी कोड।
उसके बाद जो है यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने कहा था आपने एक जो है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो फ्रीक्वेंसी टेबल होगा उसको आपने उस ये वाला ट्री बनाना है उससे, ठीक है। ट्री उन्होंने कहा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप जो है हम देख लेते हैं। हाँ जी, ट्री बनाना है, ठीक है, ट्री भी बनाना है यहाँ पे। अच्छा, वो कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जो होगा ना ट्री, वो आपने जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट एक कंप्लीट ट्री आपने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने उस जो हुफमैन इनकोडिंग होगी उसका ट्री बनाना है विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। लेकिन जो आपने वो कह रहा है कि जब आप ट्री बनाएंगे, उस ट्री की कंस्ट्रक्शन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो ट्री बनेगा वो आपने इंक्लूड नहीं करना, वो रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट एक कंप्लीट जो लास्ट ट्री बनेगा वो ही आपने जो है देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल आ जाएगा, वही जो पीछे हमने ये वाला बनाया था, ठीक है, उसी को ही हम जो है यहाँ पे वो लेटर्स राइट करेंगे और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल को देख के फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्री हम बनाएंगे। तो ये ट्री जो है अक्सर क्वेश्चन फिर बचे करते हैं कि मैम ट्री हम किस में बनाए, आप वर्ड में भी ट्री बना सकते हैं, फिर उसको स्निपिंग टूल के जरिए स्क्रीनशॉट लेके आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ट्री खराब हो जाता है। उसके बाद आप जो है इसको पेंट के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेंट के अंदर भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं इजीली। और पेंट के अलावा आप इसको ऑनलाइन भी जो है वो मैं आपको सॉफ्टवेयर बताती हूँ, उस पर आप कोई भी डायग्राम जो है वो ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे ये आप लोग लें, ठीक है, और ये आप जो है इसको आप यूज़ करें, ठीक है, इसको आप जो है कॉपी करके बार बार आप पेस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है यहाँ पे जो है जो आपने लगानी है इसके अंदर लाइनें, ठीक है, वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप ट्री बना सकते हैं, फिर यहाँ से आप जो है इसको यहाँ से आप ना ये रेक्टेंगल लेके यहाँ पे आप जितना पार्ट लेंगे और उतना आप जो है वो काट करके इसको कंट्रोल सी करके, तो आपने उसमें जाके आप इसको कंट्रोल वी के जरिए जो है वो आप इसको कर सकते हैं, उधर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्री। और उसके बाद आप इसको ऑनलाइन भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ ये देखें ये draw.io के नाम से जो है एक आप गूगल करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, कोई भी डायग्राम्स आप इस पर कर सकते हैं ड्रा, ठीक है। और मैं ऑलरेडी ये काम कर रही थी प्रोजेक्ट्स का, तो वो ड्रा हुई है डायग्राम्स, यहाँ पे फाइल हम न्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है ये आप जब ओपन करेंगे आएगा, तो उसके बाद आपने इस पे करना है और इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये मांगेगा कि कहाँ पे आपने फाइल सेव करनी है, तो वो सेव करने के बाद आप यहाँ पे भी इसको जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लेके इसको इस यहाँ पे बहुत इजीली बन जाएगा, यहाँ पे एक शेप लें फिर उसको यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लेते जाए, चाहे कॉपी कर लें एक दफ़ा, और तो जो है फिर इसको कंट्रोल भी करते जाए, तो ये एक मिनट में आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ट्री भी हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने जो कहा था कि ना आपने जो है जो ट्री आपने बनाया है ना उसको आपने क्या करना है, उसकी इनकोडिंग बिट फ्रॉम ट्री से आपने लेनी है और उसको फिल करना है कोड ऑफ विच लेटर्स इन द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल कंस्ट्रक्टिंग स्टेप 2 में, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, इसकी जो है बिट्स लेनी है आपने ट्री के अंदर से, और आपने ये वाला कंप्लीट जो है टोटल इनकोडिंग बिट्स जो है वो आपने इसकी राइट करनी है, ठीक है। तो वो पीछे हमने टेबल बनाया था इनकोडिंग यहाँ तक, ठीक है, तो फिर आपने इसका एक कंप्लीट टेबल बनाना है, टोटल जो है बिट्स इसकी कितनी आएगी वो आपने बतानी है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने कहा था कि कितनी जो है वो परसेंटेज मेमोरी जो है वो इसके लिए जो है वो रिक्वायर होगी, ठीक है। तो एंड फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ मेमोरी सेव विद द हेल्प ऑफ कितनी मेमोरी सॉरी परसेंटेज मेमोरी जो है वो सेव होगी इस जो है इनकोडिंग तकनीक से, ठीक है। तो वो 56.26% मेमोरी हमारी जो है सेव रहेगी, ठीक है। तो इसको भी आपने क्या करना है, टोटल बिट्स यहाँ से लेनी है, ओरिजिनल बिट्स भी होगी टोटल लेनी है, और उसके बाद कंज्यूम बिट्स जो हुई है हमारी वो लेनी है, तो उसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो देन हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है।
सो ये थी असाइनमेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को जो है समझ आ गई होगी और जो है कैसे इसको करना है, तो आप यहाँ से देख के अगर बनाना चाहती हैं तो आप बना सकती हैं, ठीक है। अगर आपको फाइल चाहिए तो आप जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में भी या फाइल में भी है, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फाइल लेने के लिए भी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, कंप्लीट वॉच किया हो, ठीक है। अगर आप खुद बनाना चाहती हैं तो आप यहाँ से देख के भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं, और अगर आपको किसी भी जो है फाइनल प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए, अगर आप अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे आप जो है वो चैनल पे आएँ, यहाँ पे आप लोग की कंप्लीट जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो SRS डिज़ाइन फाइनल प्रेजेंटेशन जो होती है रिपोर्ट्स हर चीज़ की जो है मैंने वीडियो यहाँ पर बना के रखी हुई हैं। अगर आप लोग कोई भी हेल्प चाहिए फाइनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे भी ये लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, आप लेक्चर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स भी मैंने बनाए हैं, फाइनल वाइवल के लिहाज से भी मैंने कंप्लीट जो है वो वीडियो बनाई है, पूरा जो है वो प्ले लिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप लोगों का यहाँ पर वो फाइनली ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है वो मैंने वीडियो बनाई हुई वो भी सारी यहाँ पर पड़ी हुई है, देखें, ठीक है। कम्प्लीट जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये SRS की हैं यहाँ पे, और ये जो है उसकी हैं आपकी, इसके अंदर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन रिपोर्ट हर चीज़ की वीडियो पड़ी हुई है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लाजमी किया करें और कमेंट्स पे अच्छा से कमेंट्स भी दिया करें कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आप लोगों के लिए मेहनत कर रही होती हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।